वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। इस बार आप ये गलती हरगिज नहीं करेंगे इंशाल्लाह। यकीनन बीजेपी को रोकेंगे, मगर बीजेपी को रोकने का मतलब ये नहीं है कि मैं इनकी गुलामी करता रहा हूं। बीजेपी को हराएंगे जरूर इंशाल्लाह ताला, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे तुम कब्र में उतारोगे, मेरे घर को खंडहर बना दोगे, मेरे नौजवान को गोली मार दोगे, या जो बच जाएगा उसको जेल में डाल दोगे। मेरे बच्चों को स्कूल नहीं मिलेगा, इंटर कॉलेज नहीं मिलेगा, मगर ये लोग आकर कहेंगे वोट हमको दो नेता हम बनेंगे। ये नहीं हो सकता। वोट भी आपका होगा, नेता भी आपका होगा, रोशन मुस्तकबिल भी इंशाल्लाह आपका होगा। और जो लोग हमसे कहते हैं, जो लोग आकर मंजलिस पर तनकीद करते हैं कि मंजलिस एक फिरका परस्त पार्टी है, मंजलिस जीतेगी तो फिरका परस्ती बढ़ेगी, अरे कौन सी तुम सेकुलरिज्म की बात कर रहे हो? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, ये जो मुसलमानों से नफरत है किस हद तक पहुंच गई इसकी एक मिसाल देता हूं। मुसलमानों से फिरका परस्ती की हद तक आसमानों को छू रही है, एक मिसाल देकर चले जाऊंगा। पाकिस्तान और इंडिया का क्रिकेट मैच हुआ, मैं तो ये कहा था मोदी जी से कि इस मैच मत खेलो आप। मैं तो कहा था कि मैच इसलिए मत खेलो क्योंकि पाकिस्तान से टेररिस्ट कश्मीर पे आके वहां के सिविलियन को गोली मार रहे, हमारे 10 सिपाहियों को मार दिए। मगर मैच हुआ, खेल है, 11 खिलाड़ी क्रिकेट मैच में खेलते हैं एक तरफ एक टीम में। बदकिस्मती से भारत हार गया तो किस पर इल्जाम लगाया शिकस्त का? किस पर लगाया इल्जाम बोलो, किस पर इल्जाम लगा, किस पर इल्जाम लगा? तो क्या शमी एक ही प्लेयर था 11 में? 11 की टीम थी, मगर फिरका परस्ती बताने के लिए आपसे कह रहा हूं कि टीम हारी हमको तकलीफ है, मगर शमी पर जिम्मेदारी डाल दी कि शमी की वजह से हार गए, शमी की वजह से हारते। ये नहीं, ये यही तो फिरका परस्ती है, यही तो मुसलमानों से नफरत है, इसको आपको समझने की जरूरत है। मीडिया के लोग हमसे आकर पूछे, हमने कहा लो हमारा बयान, हम कहते हैं तुमसे सुन लो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये एक मिसाल कि क्रिकेट के मैच में भी, खेल के मैदान में भी भारत की सियासत, भारत का माहौल इस तरह कर दिया गया कि हर चीज के लिए जिम्मेदार मुसलमान को बना दिया जाता है। कौन उठाएगा आवाज फिर? और लोग आकर कहेंगे नहीं नहीं, हमको इस माहौल को खत्म करना है। कैसे खत्म करेंगे माहौल को? माहौल को खत्म कैसे करेंगे? भीख मांगकर माहौल खत्म करेंगे? रोकर माहौल को खत्म करेंगे? नहीं। जमहूरियत आपको इस बात की इजाजत देता है कि आप सियासत में हिस्सा लें, अपने वोट से अपने उम्मीदवार को कामयाब करें, और अगर कोई आपसे बदतमीजी करना चाहता है तो आप कहें कि मंजलिस का ये कैंडिडेट हमारे सामने, तुम इससे बात करवा के। अच्छा, हैरत की बात यह, अफसोस की बात यह है कि यहां पर शमी पर इल्जाम लगा दिया मुसलमानों से नफरत करने वालों ने, तो हमारे पड़ोसी मुल्क का एक मिनिस्टर है, पागल है बेचारा, पागल है। उसने कह दिया कि पाकिस्तान जीता तो इस्लाम की कामयाबी हो गई। अरे अहमक, दीन इस्लाम को क्रिकेट मैच से क्या करना है? दीन को क्रिकेट मैच से क्या करना है? मगर ये पड़ोसी के लोग समझ में नहीं आता। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे बुजुर्ग नहीं गए वहां पर, वरना इन पागलों को हमको देखना पड़ता, जो लोग गए उनको बर्दाश्त। जब हम इन फिरका परस्तों को कह रहे हैं तो उनको भी कहना पड़ेगा, पड़ोस के जो मिनिस्टर ने बयान दिया, अरे ये तुमको शर्म नहीं है कि तुम तुम्हारे मुल्क को चीन के पास गिरवी करती हो और तुम इस्लाम की बात करते हो? वो चीन जो जिंजियांग में मुसलमानों को, 20 लाख मुसलमानों पे कैद
में बंद कर दिया, जिनको जबरन सुअर खिलाया जा रहा है चीन में। आज वो मिनिस्टर इस्लाम की कामयाबी की बात करता है। अरे मिनिस्टर, पाकिस्तान में तुम एक मलेरिया की दवा नहीं बना सकते, तुम एक मोटरसाइकिल का टायर तैयार नहीं कर सकते। भारत बहुत आगे है, भारत से पंगा मत लो। ये हमारे घर का मामला, हम घर में तय कर लेंगे। हमको पाकिस्तान से कभी मतलब था ना कभी रहेगा। और हम ये हमारे शमी को गाली देने वालों से कहेंगे, प्यारे शमी के जैसा बॉलर फिर कभी नहीं मिलेगा।